हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ बाथरूम में। तो मैं यहाँ पर ना जब मैं काम कर रही थी, तो काम करते समय मैंने ना अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर ना सर्फ़ डाल के उसमें भिगो के रख दिए थे कि चलो इसका जो गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। तो मैंने ना घर का, जैसा कि आपने पिछले वाले मेरे व्लॉग में देखा था, तो सारा घर का काम किया था मॉर्निंग में जब मैं उठी थी, नहाई थी, तो उसी टाइम मैंने ना कपड़े भिगो के इसमें रख दिए थे। तो उसके बाद मैं पूजा किया था, सारा काम किया था घर का, साफ़ सफाई, किचन का, खाना वगैरह, मतलब टोटल काम किया था। उसके बाद मैं अभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ 12:30 बज रहा है। तो बस मैं अपने काम से सारा फ्री हो गई थी, तो उसके बाद मैं, और धूप भी बालकनी में अच्छी खासी अब निकल चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े, जो कि ये ना शाम तक ये सूख जाएंगे। तो बस मैं बाथरूम में आ गई हूँ, और अभी ना मेरे कपड़े थे दिव्यांश के थे, तो भाई के भी थे, हम तीनों लोगों के कपड़े हैं। तो मैं यहाँ पर ना इसको निकाल देती हूँ, धो देती हूँ। तो वैसे तो ये है कि भैया अपने कपड़े वो खुद धो लेते हैं, लेकिन कभी कभी फिर जब मैं वॉश करती हूँ तो फिर मैं बोल देती हूँ कि मैं, चलो मैं धो दूँगी। तो बाकी का चलिए, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा, और चैनल पर कोई भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बोलनी पड़ती है पता नहीं, लेकिन आप लोग ना समझते नहीं, आप लोग लाइक भी नहीं करते, मुझे पता है आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स, और कमेंट करके भी बताया करो कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं, नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ में किस टाइप से शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मेरा फैमिली व्लॉग चैनल है, तो फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ में, बेटे के साथ में, अपनी फैमिली जो भी मेरे फैमिली में रहते हैं उन लोगों के, सभी के मेंबर्स के साथ में, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि मम्मा है, मेरे पापा हैं, मेरा बेटा है, भाई है, बहन है, सभी से लोग होते हैं, जैसा भी होते हैं, मैं टोटल सभी के साथ में ही अपने वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ना वीडियो अच्छी लगती होंगी, तो लगती हैं तो जाइए फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कम से कम एक दोस्त तो शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग सपोर्ट मिलेगी मुझे भी ना, आप लोगों की बिल्कुल भी इतनी नहीं मिल पा रही जितना कि होना चाहिए। वीडियोस की काफ़ी रैंकिंग जो वो घट जाती है, वीडियो को आप ना स्किप करके देखते हैं, फुल व्लॉग को वॉच नहीं करते, तो उसकी रीच जो है वो डाउन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बालकनी में, कपड़े मैंने वॉश कर दिए थे, उनको निचोड़ दिया है अच्छे से, थोड़ा सा पानी और भी हो जाता तो वो भी मैं अपन निचोड़ के डाल देती हूँ, निचोड़ के डाल दूँगी। तो ये ना 3-4 घंटे में धूप, क्योंकि अच्छी खासी इधर की साइड में आ जाती है तो धूप लगेगी, 3-4 घंटे में अच्छी खासी धूप से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड, ज़्यादा कपड़े तो है नहीं है, बस दो लोगों के कपड़े हैं, तो बस 2-4 कपड़े यहीं पर मैं इसमें डाल दूँगी, बाहर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ना साड़ी को थोड़ा सा अपना फोल्ड कर लिया है, आज साड़ी मैंने पहनी हुई थी, लेकिन साड़ी में थोड़ा सा काम करना वो टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि या तो आपने ऐसा होता ना कि हम लोग पहनते रहें डेली वेयर में, तो उसको थोड़ा सा हैबिट में आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कभी कभी साड़ी को पहनते और उसके साथ में वह काम भी करें घर का, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उसके साथ में आप लोग साड़ी के साथ में डेली रूटीन का व्लॉग बनाइए, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने यहाँ पर 2-4 आपके साथ में वीडियो को शेयर कर रही हूँ। मैं 2-4 दिन लगातार आप लोगों को शेयर करूँगी वीडियोज़, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
सुखा दी हैं। मैं आ गई फिर से वापस किचन में, तो अभी मैंने आलू कट किए हैं, साथ में थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च, धनिया, टमाटर और ये सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है। तो मैं बनाने वाली हूँ आज आलू की और कुट्टू आटे की पकौड़ी। तो हाँ फ्रेंड्स, आफ्टरनून में क्योंकि ना फास्ट है तो भूख लगने लगी है, और काम करते करते तो पता ही है कि भूख लगने लग जाती बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ना फटाफट से बस जग गई और आलू कट किए और मैं यहाँ पर ना कुट्टू की पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कुट्टू का आटा इसमें इस्तेमाल किया कि ज़्यादा नहीं किया, कुट्टू का आटा बहुत कम पसंद होता है ना, और मैं इसमें लाहौरी नमक डाल दूँगी। बाकी का मैंने रेड कलर की मिर्च तो व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, तो इसमें मैंने यहाँ पर ना हरी मिर्च कट कर दी थी थोड़ी सी, और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मैंने कढ़ाई को रख दिया है पहले से उसमें गर्म होने के लिए। तो जब तक वो कढ़ाई गर्म होगी तो मैं यहाँ पर ना इन चीज़ों को सभी को मिक्स कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर ना एक बड़ा सा बाउल लिया था, उसमें मेरे से फिर वो नहीं मिलाया गया, फिर मैंने निकाली है जो आटा लगाते हैं वो परात, तो उसको मैंने एक बार और फिर से धो लिया था। इसमें ठीक से जो मिक्स हो जाएगा उसमें हाथ से नहीं हो पा रहा था, फिर वो बाहर गिरती निकलती, इसलिए मैंने यहाँ पर ना पहले ही उसमें परात में ले लिया है। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, उधर हो जाएगी वो गर्म जब तक मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और फ्रेंड्स एक बात और कि मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर हम लोग इसमें पानी डालते हैं तो ऑलरेडी इसमें नमक पड़ा हुआ है, अगर दो मिनट भी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना इसमें से इतना सारा पानी निकलता है बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी भी पकौड़ी बनाती हूँ उसमें पानी नहीं डालती हूँ, और उसका एक बेनिफिट ये है कि मेरी पकौड़ी काफ़ी ड्राई बनती है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सूखी सूखी सी पकौड़ी बनती हैं। तो बस वही मुझे उसी टाइप की पकौड़ियाँ पसंद हैं खाने में, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अपनी तरीके से बनाती हूँ और अपने हाथों से बनाती हूँ। इसमें हरा धनिया डाल दिया था थोड़ा सा, जिसको कड़कपन आ जाएगा वो ना थोड़ा सी अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी पहले से ही करके रख दिया था चालू गैस को, तो ना हो जाएगा। दूसरी साइड में मैंने दूध गर्म करके रख दिया था, तो कभी कभी क्या होता है दूध को कितना भी देखते रहो उसको वो जब ही निकलना है, जब आप देख रहे होंगे ना हल्का सा मैंने उधर की साइड आँख की थी, बस मैंने परात को धोया था और इतने टाइम में तो वहाँ से वो उसमें से दूध बाहर को निकलने आ गया, वो तो फटाफट से मैंने उसको बंद कर दिया तो वो दूध बाहर ने निकल नहीं पाया। तो इसमें मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल दी हैं, बस एक बार में इसको थोड़ा सा हो जाएगा तो दूसरे राउंड में मैं यहाँ पर एक और में डाल दूँगी, दो बार में यहाँ पर बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे यहाँ पर कुट्टू आटे की पकौड़ी बनकर तैयार हैं, साथ में मैंने यहाँ पर छाछ लिया था, तो दोनों चीज़ों का छाछ और पकौड़ी यहाँ पर हम लोगों ने खा ली है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा कूड़ा वगैरह हो गया तो क्योंकि बच्चे इसमें खेलते करते रहते, तो मैं यहाँ पर ना झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि शाम तक फिर घर ना साफ पड़ा रहेगा, गंदा रहता है वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता और मन भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आज ना आप लोगों के साथ में मॉर्निंग टू इवनिंग तक का फुल ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा।
वगैरह खा ली थी, झाड़ू वगैरह हो गई है, आटा मैंने लगा के रख दिया है क्योंकि ना 4 बज गए हैं मुझे काम करते करते ही आफ्टरनून का। तो सारा मैंने किचन का वर्क अपना कंप्लीट कर लिया था, घर को मैंने साफ, मतलब पूरा टोटल मेरा हो गया है, फ्री हो गई हूँ मैं काम से। तो मैं आई हूँ सिस्टर के साथ में अभी सोसाइटी से बाहर, मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। तो सामने जो आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ मिलती है सब्जी वगैरह, तो शाम के लिए मैं और सिस्टर लेने जा रहे हैं सब्जी। तो मैं तो पहले ही लेकर आ गई थी, तो आज लेने जा रही सिस्टर, तो वो अपना सब्जी वगैरह खरीदेंगी, तो मैं उनके साथ में यहाँ पर आ गई थी घूमने के लिए। मैं कि चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स सब्जियाँ यहाँ पर हरी हरी बिक रही हैं, तो आप लोगों को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। जब तक लिए बाय बाय।